हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अभी मैं जा रहा हूँ, हमारा पानी बंद हो गया है तो पानी को स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। पानी की पाइप ये जा रही है हमारी। रास्ता ख़तरनाक है, ये जा रही है हमारी पाइप। और यहाँ पर इतने कांटे हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, अगर हमारे कपड़ों में लग जाते हैं तो फिर वो जाने का नाम नहीं लेते हैं। जैसे कि ये, चलो मैं भी आगे मिलता हूँ, क्रॉस करता हूँ क्योंकि रास्ता ख़राब है। आप देख सकते हैं ये जो झाड़ी है, इसका जो ये कांटा है, अगर ये लग जाए ना ड्रेस में तो छुड़काना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे अभी बच के चलना पड़ेगा, नहीं तो मैं बनमानुष बन जाऊंगा। चलो इसको पीछे करो। ओ, मेरे साथी के बाल में कांटे के गुच्छे लग चुके हैं। वो मेरा बाल, और मैं अपने बालों को बचाते हुए आ रहा हूँ। आप देख सकते हैं हरी हरी घास, और इसमें ओस पड़ी हुई है, ओस की बूंदें, मरकरी। अभी मैं आपको कितने पौधे बता चुका हूँ आपको। तो गाइस, हम पहुँच रहे हैं धीरे धीरे अपनी मंजिल के पास। आप देख सकते हैं मेरे कपड़ों में लग चुका है ये, और ये, और ये ठंडा ठंडा पानी है, और ये सूर्यदेव। मेरा साथी बोल रहा है कि 100 मीटर जाना है, ये मेरे को पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। सुबह सुबह मेरी नींद ख़राब करके मेरे को यहाँ ले आया है, बोल रहा है 100 मीटर जाना है, और ये 2 मिनट से ऊपर हो चुका है टाइम। और ये देख सकते हैं आप, छोटा सा झरना नहीं है ये। अभी मैं हूँ मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर इतने छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं जो आपकी जान ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना घना जंगल है। मुझे तो लग रहा है कि मुझे अपने कपड़े उतार देने चाहिए यहाँ पर। अगर आपको ये पौधा दिखाई दे तो इससे बच के रहना चाहिए। 2 मिनट लगाता है ये कपड़ों में चिपकने के लिए, और आपके कपड़े ख़राब कर देगा ये। अब ये छोटा सा नाला क्रॉस करना पड़ेगा मुझे। मेरे आधे से ज़्यादा कपड़ों में ये चमचड़ीली लग गई है। चमचड़ीली बोले तो ये मेरे कपड़ों में लग चुके हैं कांटे। और चमचड़ीली ना लगे तो मुझे बच बच के जाना चाहिए। कितना मधुर पक्षी है ये, दिखाई तो दे नहीं रहा, आवाज़ ही सुनाई दी। हाँ गाइस, देख सकते हैं गाइस, हमने अपनी पानी की पाइप ढूंढ ली है, और ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा प्रेशर बनाने के लिए हमको पानी और ऊपर से खींचना पड़ता है, इसलिए। मेरे साथ चले हैं आगे भाई, वेस्ट बंगाल से हैं, इनका नाम है नयन पाल, बहुत ही अच्छे बंदे हैं ये। मेरे को फर्स्ट टाइम मध्य प्रदेश में ही मिले थे ये। गाइस, छोटी छोटी मछलियाँ नहीं हैं। हम अभी अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं, पानी बनाते हैं और बाद में मिलते हैं। सुबह का वक्त है और पानी बहुत ही ठंडा है। यू कैन सी
बहुत ही ठंडा पानी है। भाई का कहना है कि पानी आगे से निकलेगा तो वहाँ पर पता चलेगा। यहाँ पर भाई सांप ना हो देखना भाई, बहुत कुछ लगा रखा है यहाँ पर। कैसे लगेगा पता है? पता कैसे लगेगा? पाइप खोलूं? ना है? रुक जा, आ गया भाई पानी, आ गया। चल रहा है पानी, चल रहा है। इसको अंदर करना पड़ेगा पाइप को ना, और तो गाइस हमने पानी नहीं नहीं बंद हो गया, बंद हो गया। ठीक है ठीक है, अभी आया? हाँ आ रहा है, पर वो वाला प्रेशर नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था। एक मिनट पूरा खोलता हूँ इसको मैं। बंद हो गया पानी, पत्थर रख दूँ क्यों ना मैं यहाँ पर? ना ना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ। हाँ बड़ा थोड़ा, थोड़ा और बढ़ाओ। यहाँ पर मैं पत्थर रख देता हूँ ताकि गिरे ना और मुझे। हाँ अब ठीक है, और बढ़ाओ थोड़ा सा पानी, और बढ़ाओ पानी थोड़ा सा। वैसे आ तो रहा है पर इतना प्रेशर नहीं पड़ पाएगा ना इसका। आ गया आ गया आ गया। तो गाइस हमने पानी का बहाव तेज ही कर लिया, हमारी मेहनत रंग लाई, रंग नहीं सॉरी पानी लाई। आ जा बन गया बन गया। हाय हाय, मुझे लगता है माइनस पे चला गया है टेम्परेचर पानी का। ये पत्थर लगाए थे मैंने इसको स्टेबल करने के लिए। अब ये जो पाइप है, इस पाइप को डालूँगा मैं इस पाइप के अंदर। आ जा भाई आ जा, हेल्प है कर दे, तेरी मदद की जरूरत है। तो अभी इस पाइप को मैं अंदर डाल रहा हूँ, जितना अंदर डालूँगा उतना बढ़िया रहेगा। तो मैं पहले इन कपड़ों को अच्छी तरह से धो लेता हूँ ताकि पानी गंदा ना आए। इसको खोलना पड़ेगा, तो ठीक है मैं खोलता हूँ पहले इसको। तो हमारा काम हो चुका है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है शाम का, तो अभी हम क्लोज़ करते हैं, जाएंगे नहाएंगे धोएंगे और रेस्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही।